तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। मैं हूं देवराज और आप देख रहे हैं देवराज शर्मा यूट्यूब चैनल। और सीन को जब ऐसा है कि आज है मेरा क्वारंटाइन लाइफ का डे फिफ्थ, मतलब पांचवा दिन है, और मुझे 9 दिन तक ऐसे ही प्रिकॉशंस और क्वारंटाइन का नियम का पालन करना है, जो कि सही है। और इस क्वारंटाइन लाइफ में जो मुझे साथ दे रहे हैं वो है मेरी ग्रैंड मदर और भी तमाम प्रकार के मेरे साथी हैं। तो चलिए एक एक करके रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, आप सामने में गली देख सकते हैं, वो जो गली आती है डायरेक्ट मेरे घर में एंटर करती है, और ये मेरा घर का मेन गेट है। और सामने में एक आंगना है, और ये जो छत है ये पुराना छत है जिसमें 2 रूम है, और ये जो घर है ये नया घर है जिसमें टोटल 7 रूम है। तो कुल मिला करके हो गए 9 रूम एक आंगना, मतलब कि काफ़ी छोटा सा घर है मेरा। और देख सकते हैं ये छत है, और ये एक देख सकते हैं कटहल का पेड़ है, और सामने में मोरिंग्स जिसे सोजना कहते हैं, और भी कुछ नाम आप जानते हो तो कह सकते हैं, जिसमें इस तरह का सब्जियां होती है। ये देखो, तो एक पेड़ ये है, सामने में पपीता का भी पेड़ है जिसमें पपीता फ़िलहाल नहीं है, और कटहल इसमें है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंधेरा में आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं ये कटहल है, ठीक ना, तोड़ के खाते हैं कभी कभी। तो चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और अपने साथियों से मिलवाते हैं, साथियों मतलब कि जो क्वारंटाइन लाइफ में मुझे जीने में मदद कर रहा है। तो चलिए, ये है नीचे जाने का रास्ता। तो ये देख सकते हैं ये सीढ़ी है, और यहाँ पर देख सकते हैं 3 शौचालय है जिसमें मैं इसे यूज करता हूँ और दादी उसे यूज करती है। मैं 14 दिन तक इसे यूज करूँगा। सामने में बेसिन वगैरह रखा हुआ है, और सीधा निकलेंगे बाहर की तरफ। तो चलते हैं अंधेरा में बाहर। इधर टोटल 7 कमरे हैं, तो अभी तो सब बंद पड़े हैं और मैं भी अंदर जाऊँगा नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक कुआँ है और एक खटिया है। ये मेरा सबसे पहला साथी है, क्योंकि अभी हम प्रीफर कर रहे हैं बरामदे में रहते हैं, खटिया का यूज़ करते हैं, अंदर घर के कमरे में नहीं रहते हैं। 14 दिन तक इधर ही अपन को रहना है। और ये मेरा सेकंड एग्जिट डोर है, जो कि इधर से बाहर भी निकल सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। और ये जो खटिया है इसको हम अभी कुछ देर में उठा के ले जाते हैं इधर, यहाँ पर इधर ही रखते हैं, रात को इधर ही सोते हैं। और दादी का कमरा ये है, देख सकते हैं दादी का ये छोटा सा कमरा है, एक और यहाँ पर कमरा है, और इधर से हम उधर भी जा सकते हैं। और ये है अपन का मेन गेट, इधर अपन निकल भी सकते हैं। ये आंगना है, और ये मेरा साथी है, ये भी, क्योंकि हम यहीं पर नहाते हैं और क्वारंटाइन लाइफ जब तक है हम यहीं बाहर में ही नहाते हैं। अंदर में कुआं भी है, चलिए कुआं दिखाते हैं आपको। ये कुआं देख सकते हैं, अंदर में कुआं भी है, इसमें भी पानी है, और इस कुआं का कनेक्शन इस मोटर से है, और ऊपर में टंकी में भरता है, और यहाँ पर नल है, यहाँ भी नल है जो कि पानी है हमेशा, तो पानी का कमी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई तू अपना घर में नल भी करवा के रखा है और कुआं भी करवा के रखा है, ऐसा क्यों, तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल मेरा कुआं का पानी सूख गया था, तो पापा वो हैंडपम्प करवा लिए थे, सो अभी दोनों में पानी है तो फिर सही है। तो यही सीन है मेरा, देख सकते हैं घर का, छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, बस जज नहीं करना है आप सबको। और दादी अभी बना रही है पिज्ज़ा, तो चलिए आज आपको मैं देसी पिज्ज़ा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यही मेरा घर है, ये मेरा अपना घर है, होम टाउन है। इसका वीडियो मैं बहुत पहले भी बना चुका हूँ, शायद आप सब अभी नए नए सब्सक्राइबर हैं, नए नए परिवार में जुड़े हैं, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हम वीडियो काफ़ी बना चुके हैं। अगर आप नीचे जाएंगे देखेंगे तो आपको यहाँ का वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। तो अभी जो है हमारी दादी जो है मेरे लिए पिज्ज़ा बना रही है, देसी पिज्ज़ा। तो चलिए आपको उसके रॉ मटेरियल से मिलवाते हैं, मतलब कि उसके कच्चे पदार्थ से, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये है ताज़ा ताज़ा कॉर्न, जो गांव में 10 रुपये पर के जी मिल जाता है, और 10 रुपये में लगभग 6 पीस से 5 से 6 पीस चढ़ता है। और इसका अभी हम इसे निकाले हैं, ताज़ा ताज़ा है, और ये अभी बेबी कॉर्न है बोल सकते हैं इसे। और इसका अपन अभी देसी पिज्ज़ा बनाएगा, अपन नहीं बनाएगा, मेरी दादी बनाएंगी, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसे सील बट्टा में बारीकी से पिसा जाता है, हालांकि मेरे पास और क्या बोले थे दादी, मसाला पिसे वाला कि नहीं हो तो जन बिजली से चले छे मुझे गरम छो हमारा पता नहीं दोस्तों, वो जो अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बोलता है, ये आपको दिखाते हैं। ये भी मेरे पास 2 पड़े हुए हैं, अच्छा मिक्सर, ये देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है फिलिप्स का, एक ऊपर भी है, पता नहीं वो कौन कंपनी की है, यहाँ पे देख सकते हैं। बट प्रीफर हम लोग करते हैं इसको, हम लोग इसको प्रीफर करते हैं ये। तो अभी बारीकी से इसमें ये पीसा जाएगा, और इसमें लहसुन और मिर्च दिया जाएगा, और अभी आज का रात का डिनर यही होगा, तो बने रहिए आप। सो देख सकते हैं इसे सील बट्टे से बारीकी से पीसा गया है, इसे मिक्स करेगी दादी नमक के साथ, उसके बाद फिर देखते हैं सीन आगे का।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये बन रहा है, मेरी दादी बना रही है देसी पिज्ज़ा, जो कि इसमें हम थोड़ा वीडियो बनाने में लेट होंगे, दादी स्टार्ट कर दी और इसमें पहले ऑयल दिया गया, फिर उसमें नमक वगैरह मिला करके इसमें दिया गया, और अभी इसको पलटेगी दादी। और बोल दादी कुछ बोलबे की तेल देख पकाए छे। आपको बता दें दोस्तों कि मेरी दादी हिंदी बोलने नहीं जानती है, मैथिली खोटा मिक्स झारखंडी हम लोग हैं ना, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मेरी दादी भी ब्लॉग में आए तो। सो यही सीन है, तो दादी कल थोड़ा अच्छे से सज संवर जाएगी तब हम दादी को ब्लॉग में लेंगे। वाह क्या पिज्जा है, देखिए दोस्तों, ओह क्या खुशबू आ रही है, मज़ा आ रहा है भाई। सबसे पहले तो हम खाएंगे इसको, दादी इतना बाद हम खाएँ, ठीक ना, सब बना लिया तब। तो दोस्तों फाइनली अपन का पिज्ज़ा तैयार है, देख सकते हैं यहाँ पर दादी बनाई है इसे, और आपको बताएं दोस्तों अभी टेस्ट तो नहीं किए, टेस्ट करके बताएंगे। और सबसे पहले कुछ बातें करना चाहेंगे आपसे कि अभी हम, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम गांव में हैं और क्वारंटीन लाइफ जी रहे हैं, और आज है मेरा 5वां दिन और 9 दिन तक इस नियम का पालन करना है। तो आप कमेंट करके बताएं कि हम वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, क्योंकि अपन को कोई कंटेंट नहीं मिलता है। अगर हम यही रोज़ दिखाएंगे भाई हम ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, तो हमको भी ख़राब लगता है कि आप सबको भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप सब भी बोर हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कैसे बनाऊं, किस बेसिस पर बनाऊं, क्या टॉपिक होनी चाहिए। और बता दें कि दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे और रात कब होता है पता भी नहीं चलता, मतलब 10-11 बजे तक सो जाते हैं रात को, और इस बीच हम समय का सही यूटिलाइज करते हैं, अपने चंदन भैया गुड्डू भैया के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं कभी कभी, और कभी कभी आर्यन भाई के साथ भी पढ़ाई करते हैं कभी, और हमेशा सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब रोज़ करते हैं सेल्फ स्टडी, हमेशा नहीं, दिन भर में 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी हो गया और वगैरह वगैरह, और इसी में टाइम पार हो जाता है। और जैसे कि अभी हम आपको दिखाएं साथी खटिया वगैरह सब, ये सब मेरा क्वारंटीन लाइफ का साथी है। तो आज के वीडियो पर बस इतना ही, इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको। पहले भाई आपको यही बताना चाहेंगे कि अब जो दुकान में या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा जो खाते हैं ना, इसके सामने वो पिज्ज़ा फेल है। आज तक आपको बताया था कि हम पिज्ज़ा टेस्ट किए नहीं है, लेकिन इसे खाने के बाद लगता है कि हाँ भाई पिज्ज़ा खा रहे हैं, हालांकि इसमें सॉस वगैरह की कोई चीज़ की मतलब ज़रूरत भी नहीं है, इतना टेस्टी बनता है ना ये बेबी कॉर्न से, मज़ा आ जाता भाई खा करके, कसम से बता रहे हैं। तो अगर आप गाँव कभी जाएँ तो ज़रूर यूज करें इसका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर झारखंड, वंदे मातरम। आज का सीन यहीं तक था, अभी हम दादी पका रही है, हम खा रहे हैं और बनाएगी और खाएँगे और दादी भी खाएगी। मिलते हैं।